अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपको दोस्त काशिफ। आज के इस नए ट्यूटोरियल के साथ ये एक शॉर्ट ट्यूटोरियल है कि आप किस तरह से कोई बुलेट क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह के मैंने ये क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, ये जिस तरह बुलेट फायर नहीं करते, फायर अगर इसमें आप थोड़ी सी चेंजिंग लाना चाहें तो वो भी ला सकते हैं। बेसिकली जो बुलेट जिस तरह से फायर करती है ना, तो उस हिसाब से अगर करें तो फिर मैं जो है जी MM दबाता हूँ। सॉरी, ये वाला मास्क नहीं है, ये डिलीट कर देती हूँ, ये डिलीट कर देती। तो बुलेट जो सिंपली जो बुलेट के साइज होता है वही होता है। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपने न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ अपन। उसके बाद कंपोजिशन, न्यू कंपोजिशन ठीक है, कॉम्प ब्लैक होनी चाहिए। ओके जी, यहाँ पे खाली जगह बैठे, राइट क्लिक, न्यू सॉलिड, सॉलिड का रंग ऑरेंज होना चाहिए। उसके बाद ओके कर दें। यहाँ से सीधा चले जाते हैं पेन टूल में और एक बुलेट की शेप का पेन टूल ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर अपलोड करना है ROU टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये रोगिन एजेस। इसको अप्लाई कर देंगे। इसका जो बॉर्डर होगा वो 60% कर दें और एज शार्पनेस 0। टर्न इट ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे भी करते हैं ये फ्रैक्टल नॉइज अप्लाई करते हैं। ठीक है, फ्रैक्टल नॉइज को नॉर्मल टू एड। ठीक है, अभी इसको भी ऑफ कर देते हैं, ऑफ कर दिए। अभी जाते हैं जी GLO ग्लो में, ग्लो को इसके ऊपर ऐड करते हैं, बस इसको यूं ही छोड़ देना। अभी आ गया टर्बुलेंट डिस्प्लेस, तो TUR, ये रहा टर्बुलेंट डिस्प्लेस। तो इसकी जो साइज होगा वो हम लोग कर देंगे 12। अभी आपको फर्क नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ऑन करते हैं अब ये। तो बेसिकली 3 सेकंड की होनी चाहिए, जैसे 1, 2 या 2 सेकंड की हो जाए। फिर कंट्रोल शिफ्ट डी डिलीट करते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, इतना बहुत है। कंट्रोल डी डी डी, अभी 1 सेकंड छोड़ के आगे, 1 सेकंड छोड़ के आगे, 1 सेकंड छोड़ के आगे। ठीक है, प्ले करते हैं जिस तरह फायर कर रहे होते हैं, धड़स। तो अभी इसके ऊपर जैसे बंदूक में से फायर निकलती है, तो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और मतलब रियलिस्टिक लगे, तो सिंपली इसको थोड़ा और ड्रैग कर दें आगे। यहाँ से पेन टूल ले लेते हैं, एक पेन टूल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, एक पेंडुल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, पेंडुल ड्रॉ करने के बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इसको एक शेप देनी है, जिस तरह की शेप हमें चाहिए, जिस तरह की बुलेट हम चाहते हैं। इनको डिलीट कर दूंगा क्योंकि इनके साथ वो नहीं है। तो कंट्रोल डी 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 डी, 1 सेकंड आगे, 1 सेकंड आगे, 1 सेकंड, 2 सेकंड चलेगा, 1 सेकंड आगे, 1 सेकंड आगे। या अब चेक करते हैं, ठीक, जिस तरह गन फायर होता है। तो ये एक शॉर्ट ट्यूटोरियल था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि मतलब किस तरह से कोई बुलेट क्रिएट करते हैं, या आपकी बुलेट इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको कहीं से चीज़ें बाय करने की जरूरत नहीं है, इसे खरीदने की जरूरत नहीं है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड अल्लाह हाफिज़। मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।